भोपाल पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि साल 1984 के कातिलों में कमलनाथ का बड़ा हाथ रहा है। सिखों को जिंदा जलाया गया था। कमलनाथ के साथ जो लोग थे वो सभी छिंदवाड़ा के थे। इस मामले में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मुकेश नायक ने कहा कि सिख दंगा मामले में कमलनाथ को जांच कमीशन ने क्लीन चिट दे दी थी। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सिख समाज से बात करने और एक तरफा समर्थन देने के लिए भोपाल आया हूं। साल 1980 से 1997 तक पंजाब में सिखों को मरवाया गया। 1,00,000 सिख मारे गए। 30,000 लाशें ऐसी थी जिनका अता पता भी नहीं लगा। उन्होंने कहा कि हमारे कातिलों को कांग्रेस साथ बैठाकर हमें चिढ़ाती थी। पीएम मोदी ने ऐसे लोगों को ठिकाने लगाया है। मनजिंदर सिंह ने कहा कि पहले बाबर, अकबर, औरंगजेब का इतिहास पढ़ा जाता था। मोदी ने गुरु गोविंद सिंह सहित अन्य सिख समाज के लोगों का इतिहास पढ़वाना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार को सिख समाज का एक तरफा वोट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि साल 1984 के कातिलों में कमलनाथ का बड़ा हाथ रहा है। सिखों को जिंदा जलाया गया। कमलनाथ के साथ जो लोग थे वो सभी छिंदवाड़ा के थे। देश के अंदर जब मोदी जी की सरकार बने तो पूरे देश के हमारा पंजाबी समाज और सिख समाज जो है उसमें एक तरफा वोट मोदी जी के लिए डाले। उसी के चलते हम आज भोपाल में भी आए हैं। हमें इस बात का फख्र है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जो नेशन फर्स्ट रखते हैं, और दूसरी तरफ लुटेरों का परिवार है गांधी परिवार जो जरूरत के हिसाब से अपना धर्म बदल लेता है। राम का नाम भी तब जपते हैं जो पुरानी पिक्चर का एक गाना था, राम राम जपना पराया माल अपना। वो केवल राम का नाम भी, प्रभु राम का नाम भी तब जपते हैं जब उनको जेबें भरनी होती हैं। इस देश का विकास हो, सबका विकास हो, सबका साथ हो, लेकिन जो तुष्टिकरण की राजनीति है, और तुष्टिकरण की राजनीति इस हद तक हो गई है कि आप पे विरासती टैक्स लगाकर आपके आधे पैसे छीन लिए जाएंगे, ये कोई देश का, कोई भी भारत का नागरिक ऐसा ना होने देगा, ना ऐसा हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के और हाथ मजबूत हों और भारतीय जनता पार्टी को 7 तारीख को एक तरफा मतदान डालकर यहाँ से भी, भोपाल से भी बीजेपी का कैंडिडेट जीतकर लोकसभा में पहुंचे। मनजिंदर सिंह सिरसा के आरोपों पर प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने कहा कि देश में कहीं पर भी जब चुनाव होता है तब भारतीय जनता पार्टी को 84 के दंगों की याद आती है, अगले चुनाव तक बीजेपी यह बात भूल जाएगी। मनजिंदर सिंह को मैं बताना चाहता हूं कि कमलनाथ को जांच कमीशन ने क्लीन चिट दे दी है, फिर उनका नाम लेने से क्या फायदा। जब भी इस देश में कोई चुनाव आता है तब इन्हें 1984 के दंगों की याद आती है। अब चुनाव खत्म हो जाएगा, अगले चुनाव में फिर याद आएगी। तो बीजेपी का कोई नेता या अकाली दल का कोई नेता या कोई सिख नेता बहुत योजनाबद्ध तरीके से इस बात को उठा देगा और एक गैर जरूरी बहस देश भर में चलने लगेगी। भाई कमलनाथ जी की भी चर्चा उन्होंने की है। जब जांच कमीशन ने कमलनाथ जी को क्लीन चिट दे दी है तब उनका नाम घसीटने का क्या औचित्य है। नहीं तो 84 के दंगे में आज तक कमलनाथ जी पर कोर्ट ट्रायल नहीं करता। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।